दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे से YouTube चैनल वेजिटेरिया में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर के हियरिंग में क्या कुछ कहा है और क्या कुछ सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके लोन मोनिटोरियम और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लग रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ अर्जियां दी गई हैं सरकार की तरफ से। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये सब कोई जानता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लोन मोरेटोरियम को लेकर के तनातनी चल रही है, यानी कि लोन मोरेटोरियम की पीरियड को बढ़ाया जाए या नहीं, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो इस कोरोना पैंडेमिक के समय लग रहे हैं उसको लेकर के उपभोक्ताओं के वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब किया कि आप इस महामारी के समय एक ऐसी गाइडलाइन बनाइए कि जो कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहे हैं उसको माफ़ किया जा सके। लेकिन सरकार इस मूड में नहीं है कि वो सभी सेक्टरों को इस तरीके का रिलीफ दे दे। कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके यह बात कही गई है कि सरकार सभी क्षेत्रों में या सभी सेक्टरों में सबको एक जैसा राहत नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि सबका लोन एक जैसा नहीं है, किसी का छोटा है और किसी का बड़ा लोन है। तो सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने जा रही है जिसमें कि कुछ सेक्टर को छोड़ करके और कुछ सेक्टर को रिलीफ दिया जा सकता है। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में कल की डेट में यानी कि 14 अक्टूबर को सुनवाई थी, उसमें सुनवाई थोड़ी लेट से शुरू हुई, जिसमें 3 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना और इसमें सरकार को दिशा निर्देश दिया कि आप एक ऐसा प्रोफार्मा तैयार करें कि जिससे कि कस्टमर को, जो उपभोक्ता हैं, उनको राहत मिले। क्योंकि अभी आने वाले समय में दिवाली आने वाली है और भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जिससे कि उनकी ये फेस्टिवल खराब ना हो। जो आप लोन में ईएमआई ले रहे थे उसको आप कोरोना समय में आप उस खाते को एनपीए घोषित नहीं कर सकते हैं, और इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको आप माफ़ करिए। तो इस संदर्भ में सरकार की तरफ से हलफनामा ये दिया गया है कि सरकार सभी सेक्टरों के लोन को माफ़ नहीं कर सकती है या फिर सभी सेक्टरों को एक जैसा रिलीफ नहीं दे सकती है, क्योंकि सभी सेक्टर अलग-अलग हैं और हर सेक्टर में दिया गया लोन भी अलग-अलग है। सरकार केवल 2 करोड़ रुपए तक के लोन में लगने वाले इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को माफ़ कर सकती है, लेकिन यह अभी फिक्स नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट जो पड़ी है वो 2 नवंबर को पड़ी है। अब 2 नवंबर को ही फैसला आएगा और उसमें यह देखा जाएगा तो क्या सरकार इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कोरोना समय में लोग इतने आहत हुए हैं अपने उद्योग धंधों से, अपने आर्थिक गतिविधियों से, तो उनको इस कंपाउंड इंटरेस्ट से राहत देती है या नहीं देती है, और क्या कुछ निर्णय आता है उपभोक्ताओं के पक्ष में, यह 2 नवंबर को ही देखने को मिलेगा। तो अभी तक सरकार का यह रुख है कि वह 2 करोड़ रुपए तक के लोन के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट उसको माफ कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।